बीच बड़ी खबर आ रही है मैथ से जुड़ी हुई, जहां पर भारत ने 180 का लक्ष्य नीदरलैंड को दिया है। तो भारत ने नीदरलैंड को 180 रन का लक्ष्य दिया है और विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, एक तरीके से 180 जिस तरीके से विकेट डाउन हुए, लग नहीं रहा था कि हम 180 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन 180 का ये रन कितना बड़ा रन आप समझते हैं और कितना मुश्किल होगा नीदरलैंड के लिए चेस करना? देखिए, उम्मीदें तो ये थी ना कि सब कह रहे थे 200 बना दो, 250 बना दो, 220 बना दो, लेकिन 180 कम नहीं होते। ये वर्ल्ड कप का मैच है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच है, बड़ा ग्राउंड है, ये बड़ा मैदान है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है इंडिया ने फिनिश बड़ा अच्छा किया और जबरदस्त पारी खेली है आज एक बार फिर विराट ने। लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो सूर्य कुमार यादव की बैटिंग। सूर्य ने लास्ट बॉल पे जो छक्का मारा अपना, 50 उन्होंने पूरा किया। मैं फटाफट से स्कोर बता दूं अर्पिता अपने दर्शकों को आज तक पर। केएल राहुल एक बार फिर फ्लॉप, ये गहरा विषय रहेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। 9 रन 12 बॉलों में। रोहित शर्मा का 50 आना मुझे लगता है भारत के लिए बेस्ट न्यूज, क्योंकि आप रोहित के रन भी देखने आए थे, उन्होंने 53 रन बनाए हैं 39 गेंदों में 53 रन। और विराट फिर वही पाकिस्तान की तरह उन्होंने पारी खेली आराम से और फिर सही वक्त पर पीक किया। 41 गेंदे 62 नॉट आउट, अब तक वो इस वर्ल्ड कप में आउट नहीं हुए हैं। और सूर्य कुमार यादव जैसे मैं कह रहा था 25 गेंदे 51 नॉट आउट, मतलब क्या बैटिंग की है उन्होंने। और ये जो आखिर के 5-6 ओवरों में रन आए हैं, उससे अगर एक अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो आप कहते हैं रिस्पेक्टेबल फाइटिंग स्कोर, लेकिन चूंकि सामने नेदरलैंड है जिनके लिए चैलेंज उनकी बैटिंग रहेगी, वो मुझे लगता है कि शायद भारत ने उतने रन बोर्ड पर लगा दिए हैं जितने जीतने के लिए चाहिए होंगे। तो मेरे साथ इस शो में अर्पिता न सिर्फ हरभजन सिंह रहेंगे, मदन लाल जी भी है, प्रज्ञान ओझा भी है, और आप सब तो हैं ही, क्रिकेट फैंस तो हैं ही। लेकिन मदन जी, मैं आपसे शुरू करता हूं, 180 रन जैसे अर्पिता ने कहा, कहीं कोई डर किसी फिक्र की बात तो नहीं है? मदन जी आवाज आ रही है आपको? विक्रांत मुझे लग रहा है मदन जी तक आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है, तो यही सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। पारी देख रहे हैं विराट कोहली, यही सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। 180 टोटल, और भारतीय टीम के गेंदबाजों के परफॉर्मेंस को देखते हुए आप किस तरह से इसको मांगते हैं, कितना डिफेंडिंग? नहीं नहीं अच्छा स्कोर है जी, बहुत अच्छा स्कोर है। और ये मत भूलें कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप शाम को गेंद करेंगे, फ्लडलाइट्स ऑन है, जैसे आप देखिए पीछे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर गेंद सीम करता है और ये बड़ा मैदान है। भले ही पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 200 से 8 रन बनाए, लेकिन विकेट जो आज आपने देखी इतनी भी सपाट नहीं है। शुरू में देखिए ना, पहले 10-12 ओवर में भारत के रन नहीं थे, रन आए बाद में जब दोनों सेट थे, और चूंकि दो ही विकेटें भारत की गिरी हैं, शायद एक आप कहते हैं ना कि पूरी तरह से अगर भारत ने डोमिनेट किया होता तो 20 रन और हो जाते, आपके 200 रन होते, लेकिन 180 नेदरलैंड्स को भी बहुत बड़ा पहाड़ सामने दिख रहा होगा। इस वक्त विराट इस टूर्नामेंट में आउट नहीं हुए अभी तक, 62 नॉट आउट, 41 गेंदों में इन्होंने 3 चौके 2 छक्के इन्होंने मारे, वही चपलता उनकी फुटवर्क में दिखी, वही गैप्स ढूंढना। हालांकि अगेन पिछली पारी की तरह आज भी उन्होंने पहले संभल कर ही शुरुआत की, लेकिन शायद एक जहनी तौर पर मुझे लगता है भारत के सामने टारगेट यही था कि 170-180 रन चाहिए बोर्ड पे। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप 220 के लिए गए और पता चला कि आपकी विकेटें गिर गई, वो फिर सेफ नहीं होता। 180 पर आपने फिनिश किया, ये एक डेप्थ आपकी टीम की दिखाती है कि आपने आखिरी 8 ओवर में रन बनाए हैं और तेज रन बनाए हैं। और यहीं पर सूर्य कुमार यादव, लोग ऐसे नहीं कहते कि इस वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव भारत के एक्स फैक्टर हो सकते हैं।